हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे एक नए वीडियो में। मेरा नाम है प्रकाश चौधरी। आज ये वीडियो में हम दो बाइक्स को कंपेयर करने वाले हैं। एक जो अपने साथ है रॉयल एनफील्ड हिमालयन स्क्रैम 411 जो कल ही लॉन्च हुई थी, एंड एक बाइक जो ऑलमोस्ट वन मंथ पहले लॉन्च हुई थी यच डी की स्क्रैम्बलर। अब पहले क्या होता था कि जब अपने पास कोई स्क्रैम्बलर बाइक नहीं थी इंडिया में तो लोग उतने ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं थे। दे वर जस्ट वेटिंग फॉर वन बाइक कि भाई एक बाइक आ जाए, उसके बाद में हमें कुछ नहीं चाहिए। यच डी ने लॉन्च किया स्क्रैम्बलर, जो मुझे लगता है कि एक प्रॉपर स्क्रैम्बलर का लुक उसको दिया गया। उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है चलाने का, जो इंजन का बिहेवियर है, जिस तरीके से वो बाइक चलती है और जिस तरीके से उसको बनाया गया है, वो एक प्रॉपर स्क्रैम्बलर का लुक आपको देती है। उसके बाद में जैसे ही न्यूज़ आने लग गई कि रॉयल एनफील्ड एक स्क्रैम्बलर बाइक लॉन्च करने वाला है, तो कल ये बाइक लॉन्च हुई थी और मैं इसको दो दिन से चला रहा हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि प्राइस दोनों का कैसा है। तो ये जो बाइक है ये स्टार्ट होती है 2,03,000 रुपीज़ से, एक शोरूम प्राइस है, एंड ऑल द वे 2,08,000 रुपीज़, जिसके अंदर आपको तीन वेरियंट मिलते हैं, सात कलर आपको ऑप्शन मिलते हैं। वेरस जो यच डी स्क्रैम्बलर है उसमें आपको छः कलर मिलते हैं, सिंगल टोन एंड ड्यूल टोन। स्टार्टिंग प्राइस 2,04,000 से लेकर 2,13,000 तक आपको वो पड़ेगी। जो सबसे कम वाला वेरिएंट है उसको कंसिडर करें तो ऑलमोस्ट 1,000 रुपीज़ से लेकर 1,500 रुपये का फ़र्क है। अगर आप 2 लाख की बाइक ले रहे हो तो उतना ज़्यादा आपके लिए मायने नहीं रखेगा। जो यच डी स्क्रैम्बलर है वो मुझे एक प्रॉपर पैकेज लगती है इन टर्म्स ऑफ स्क्रैम्बलर। उसका जो लुक्स है वो एक प्रॉपर स्क्रैम्बलर वाला है। ये जो बाइक है ये देखो डिराइव्ड है ADV से, ADV जो अपनी हिमालयन है। जो लुक्स वगैरह इसको दिया गया है, रॉयल एनफील्ड ने ट्राई किया है कि इसको एक प्रॉपर स्क्रैम्बलर वाला लुक दे दें, दे हैव ट्राइड देयर बेस्ट। तो अगर आपको एक लुक चाहिए स्क्रैम्बलर का तो मुझे लगता है कि यच डी स्क्रैम्बलर थोड़ी ज़्यादा स्क्रैम्बलर का आपको एक लुक दे देगी। वेट की बात करें तो इसका वेट है 185 किलो एंड स्क्रैम्बलर का है 182 किलो, तो 3 किलो का फ़र्क है। एक आप 180, 190, 180, 190 किलो की बाइक आप चलाते हैं तो 1-2 किलो का फ़र्क ज़्यादा पड़ता नहीं। स्क्रैम्बलर आपको 182 किलो की पड़ेगी और ये पड़ेगी 185 किलो की। मैंने दोनों बाइक्स को चलाया, ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। बात करें सीट की तो जो स्क्रैम्बलर है यच डी उसका सीट हाइट है 800 mm, इसका 795 mm है। इसकी सीट हाइट आपको ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी, स्पेशली फॉर देम जिनकी हाइट थोड़ी कम है, जो शॉर्ट हाइट के राइडर रहते हैं उनके लिए ये थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल भी रहेगी और इसमें आप दोनों पैर आराम से नीचे रख पाओगे। यच डी जो स्क्रैम्बलर है उसका थोड़ा सा जो सीट है वो ऊँचा मुझे लगता है, एंड स्पेशली दी पिलियन सीट वो थोड़ी ऐसे थोड़ी ऊपर दिखती है उसकी और ऊपर फील भी होती है आपको। तो अगर आपकी हाइट थोड़ी कम है, आपको दोनों तरफ पैर रखना है स्पेशली जब आप ऑफ रोड करते हो, तो ये आपके लिए सही रहेगी। इन टर्म्स ऑफ सीट मुझे लगता है कि स्क्रैम 411 हैज़ बेटर सीट इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग राइड वगैरह है आपको, कभी कभी आप ऑफ रोड पैचेस पे जाते हो तो ये मुझे लगता है कि इसकी सीट ज़्यादा कम्फर्टेबल है, काफ़ी वाइड भी है। बट ये मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा लॉन्ग राइड में कम्फर्टेबल राइडिंग पोस्चर देगी, कम्फर्टेबल आपको राइड देगी। उसके बाद में बात करते हैं व्हील बेस के बारे में। व्हील बेस जितना छोटा होगा आपको हैंडलिंग में उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा, स्पेशली जब आप ट्रैफिक में चलाते हो या फिर ऑफ रोड वगैरह करते हो। तो ये दोनों बाइक्स में इसका व्हील बेस थोड़ा ज़्यादा है, ज़्यादा फर्क नहीं है, उसका थोड़ा सा व्हील बेस कम है, तो आपको थोड़ा मनोवर करने में, हैंडलिंग करने में आसानी होगी। अब बात करते हैं सस्पेंशन के बारे में। तो ये जो सस्पेंशन है ये सेम ही आपको हिमालयन का सस्पेंशन देखने को मिलता है, हालांकि इसका जो ट्रैवल है ये 190 mm का है, पीछे आपको 180 mm का ट्रैवल मिलता है। अगर आप ज़्यादा ऑफ रोड करते हो तो मुझे लगता है कि 190 mm एंड 180 mm सामने एंड पीछे का आपको ज़्यादा ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ देगा। वेरस जो स्क्रैम्बलर है उसका 150 mm सामने का सस्पेंशन ट्रैवल है, पीछे का 130 mm सस्पेंशन ट्रैवल है, तो मुझे लगता है कि ऑफ रोड में ज़्यादा ईजिली आप इसको चला पाओगे। सो इसका जो लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन है ये मुझे लगता है कि इसके लिए प्लस पॉइंट है। एंड आपको पता ही है कि हिमालयन एक प्रॉपर एडवेंचर टूरर बाइक है जिसको आप ऑफ रोड लेके जा सकते हैं, एंड स्क्रैम्बलर जो है उसके अंदर थोड़ी बहुत कैपेबिलिटीज होती है ऑफ रोड करने का, और ये जो बाइक है ना ये वाली एक प्रॉपर एडवेंचर टूरर बाइक से ली गई है, तो मुझे लगता है कि ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ आपको इसमें अच्छी देखने को मिलेंगी। बट इसका मतलब ये नहीं कि स्क्रैम्बलर पर आप अच्छा नहीं कर सकते, उस पर भी आप अच्छा कर सकते हैं। स्पेशली इसका जो टायर है मुझे स्क्रैम्बलर का यच डी का वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। पीछे आपको 140 सेक्शन का टायर मिलता है तो उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा ग्रिप मिलता है, अच्छी हैंडलिंग मिलती है, स्पेशली ऑन हाई स्पीड्स। देखो रास्ता कैसा है सामने किसी को नहीं पता है, जहाँ हाईवेज होते हैं वहाँ ठीक है, अगर कोई बैड रोड आ गया उस टाइम पे आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जो ऑन रोड भी अच्छा कर सके और ऑफ रोड भी अच्छा कर सके। तो मुझे लगता है कि ऑफ रोड की बात आती है तो स्क्रैम 411 बेटर ऑप्शन है। अब टायर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको टायर तो सेम मिलते हैं जो आपको हिमालयन पर आते हैं, सामने आपको 19 का मिलता है, 19 इंच का
मिलता है। इसमें आपको MRF के टायर दिए गए हैं। हिमालयन पे आपको 21 इंच का मिलता है, स्पोक व्हील्स आपको मिलते हैं, ट्यूब वाला टायर मिलता है, पीछे आपको 120 सेक्शन का टायर मिलता है। वेरेज आपको जो स्क्रैम्बलर है SD, उसमें 140 सेक्शन का टायर मिलता है, जो मैंने आपको बताया कि हाई स्पीड पे काफ़ी अच्छा स्टेबल रहेगा। दोनों ही बाइक्स में आपको ड्यूल पर्पज़ टायर मिलते हैं, ट्यूब वाले टायर मिलते हैं आपको, बट उसका प्लस पॉइंट ये है SD स्क्रैम्बलर का कि उसमें आपको थोड़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। हाई स्पीड करते हो तो थोड़ा स्टेबिलिटी आपको अच्छी मिलेगी। ब्रेकिंग की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि यू नो स्क्रैम्बलर जो है SD, उसमें आपको 320mm का डिस्क ब्रेक मिलता है एट दी फ्रंट, एंड पीछे आपको मिलता है 240mm का। इसमें आपको 300mm का मिलता है सामने, एंड पीछे आपको 240mm का मिलता है। सेम आपको ब्रेक का सेटअप मिलता है जो आपको हिमालयन पे मिलता है, बट मुझे ये लगता है कि यू नो जो बड़ा रोटर का साइज है, जो डिस्प्लेट का साइज है SD स्क्रैम्बलर पे, उसकी वजह से उसका जो ब्रेकिंग है ना वो काफ़ी मुझे अच्छा लगा। एंड आपको जो इनिशियल बाइट मिलनी चाहिए जब आप ब्रेक लगाते हो, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ भाई मेरी बाइक जहाँ पे मैं रोक रहा हूँ वहीं पे रुक रही है। इसमें मुझे उतना कुछ दिक्कत आया नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि स्क्रैम्बलर के ब्रेक्स जो है ना वो बेटर है। एंड उसमें आपको एक प्लस पॉइंट और मिलता है, इसमें आपको ड्यूल चैनल ABS मिलता है, उसमें भी आपको ड्यूल चैनल ABS मिलता है, लेकिन उसमें आपको स्विचेबल ABS मिलता है। उसमें आप अगर चाहो तो ऑफ रोड मोड जो है वो भी सेलेक्ट कर सकते हो, इसमें आपको वो ऑप्शन नहीं मिलता है। हिमालयन में आपको ऑप्शन मिलता है कि पीछे का जो ABS है उसको आप ऑफ कर सकते हो, वो एक आपको प्लस पॉइंट हो जाएगा जब आप ऑफ रोड करते हो। तो मुझे लगता है कि पीछे का ABS आप वो बाइक में आप ऑफ कर पाओगे। इंजन की बात करें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें आपको 411 cc का इंजन मिलता है, 32 Nm का टॉर्क मिलता है, 24.3 PS का पावर मिलता है। पावर आउटपुट आपको बहुत कम RPM पे आ जाता है, 4250 RPM पे आपको फुल इसका टॉर्क मिल जाता है 32 Nm का। एंड अगर आप स्क्रैम्बलर को कंपेयर करोगे इससे, तो स्क्रैम्बलर में आपको थोड़ा हायर रेव में टॉर्क मिलता है। इनिशियल टॉर्क में ये गाड़ी बहुत अच्छी है, इनिशियल में ये बहुत जल्दी पिकअप ले लेती है। लो एंड जो टॉर्क है इसका वो काफ़ी अच्छा है, बट जो स्क्रैम्बलर है वो थोड़ी पिकअप करती है 30-40 की स्पीड के बाद में, और आई वुड से 3-4000 RPM के बाद में वो ज़्यादा अच्छे से पिकअप कर लेती है। एंड वैसे भी ये जो बाइक्स है ना, ये टॉप स्पीड वगैरह के लिए या हाई स्पीड वगैरह के लिए नहीं होती है, तो कुछ यू नो सेंस बनता नहीं है स्पीड वगैरह अगर हम कैलकुलेट करें और स्पीड वगैरह हम कंसिडर करें। बट अगर आपको एक यू नो ज़्यादा पावरफुल इंजन चाहिए, बिकॉज वो जो इंजन है वो आपको लिक्विड कूल्ड मिलता है, 6-speed गेयरबॉक्स मिलता है, इसमें आपको 5-speed गेयरबॉक्स मिलता है, एयर कूल्ड मिलता है इंजन, एंड इसमें आपको पावर आउटपुट काफ़ी अच्छा मिलता है, 29.1 PS का पावर मिलता है, 28.2 Nm का उसके अंदर आपको टॉर्क मिल जाता है। टॉर्क आउटपुट उसका थोड़ा सा हायर रेव में आता है, लेकिन वो थोड़ी ज़्यादा पावरफुल फील आपको कराती है। अगर आपको हाईवे टूरिंग करनी है, जैसे आप मेंटेन करना चाहते हो 100+ स्पीड, तो मुझे लगता है कि 6th gear जो स्क्रैम्बलर पे है वो आपको थोड़ा ज़्यादा काम आएगा। बट टू बी ऑनेस्ट, मैंने बहुत सारी लॉन्ग राइड्स की है, आप इंडिया में कोई भी रोड पे स्पेशली जहाँ पे स्पीड लिमिट वगैरह है 80 से लेकर 100 तक ही आप एक मैक्स स्पीड कर सकते हो कंटिन्यू, अगर आपको लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम चलाना है। जैसे आप 500-600 किलोमीटर आप जाते हो, तो वो टाइम पे आप सिर्फ मुझे लगता है कि 80-90 की स्पीड ही मेंटेन कर पाओगे, उससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता कि आप भगा भी पाओगे। तो अगर आपको एक रिलैक्स राइडिंग चाहिए तो ये बाइक आपके लिए बेस्ट है। अगर आपको थोड़ी हाई परफॉर्मेंस चाहिए, आपको स्पीड 100+ रखना है, तो आप स्क्रैम्बलर ले सकते हैं, बिकॉज उसमें आपको जो 6th gear है उसका एक प्लस पॉइंट मिल जाता है। दोनों ही बाइक्स में आपको सेम ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, इसमें भी आपको 200mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, उसमें भी आपको 200 का ही मिलता है। अब हिमालयन जो है उसमें 220mm का है, अब इसका थोड़ा सा 20mm ग्राउंड क्लियरेंस कम कर दिया गया है, बिकॉज आई थिंक सामने जो टायर है उसमें हिमालयन में 21 इंच का आता है, इसमें 19 इंच का आता है, तो वो एक फ़र्क यहाँ पर पड़ जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में मुझे लगता है कि दोनों ही बाइक्स काफ़ी अच्छे हैं। जब आप लॉन्ग राइड वगैरह करते हो, स्पेशली ऐसी वाली बाइक्स पे, तो आपको थोड़ा बड़ा पेट्रोल की जो टैंक है वो चाहिए, ज़्यादा कैपेसिटी का चाहिए, तो इसके अंदर आपको 15 लीटर का पेट्रोल टैंक मिलता है, वेरस आपको स्क्रैम्बलर में 12.5 लीटर का मिलता है, तो इससे आप थोड़ी ज़्यादा किलोमीटर रेंज कवर कर पाओगे व्हेन आई कंपेयर विद स्क्रैम्बलर। हालांकि जो माइलेज फिगर्स है ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों बाइक्स का। हिमालयन जो है वो देती है अराउंड 26 से लेकर 28 ऑन हाईवेज, एंड सिटी में आपको 24 से लेकर 26 दे देती है। अगेन डिपेंड करता है, अगर आप बिलो 100 चलाते हो, 80-90 या 100 भी चलाते हो, तो आप आराम से 28+ का माइलेज हिमालयन से निकाल सकते हो। एंड स्क्रैम्बलर पे मैंने लॉन्ग राइड किया नहीं है, तो मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट सेम माइलेज आपको मिल जाएगा, तो आपको 28 से लेकर 30 के अंडर आपको माइलेज मिल जाएगा। बट इसमें क्या है, आप थोड़ा ज़्यादा किलोमीटर कवर कर पाओगे, यू नो बार बार आपको रुकना नहीं पड़ेगा पेट्रोल टैंक फिल करने के लिए। अब बात करते हैं थोड़ी ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ के बारे में। तो ऑफ रोड में यू नो 3-4 चीज़ें हैं जो मेन रहती है, एक तो ग्राउंड क्लियरेंस, दूसरा सस्पेंशन, तीसरा जो बाइक का वेट है
एंड चौथी चीज़ है लो एंड में आपको कितना टॉर्क मिल जाता है। तो सस्पेंशन को लेके अगर मैं बात करूँ तो ये बाइक में आपको बेटर सस्पेंशन मिलेगा, लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन है, ग्राउंड क्लियरेंस दोनों बाइक का सेम है। तो ये बाइक का जो लो एंड टॉर्क है जो आपको लिटरली ज़रूरत पड़ती है ऑफ रोड जब आप करते हो, बैड रोड्स पे जाते हो, तो इसका प्लस पॉइंट ये रहेगा कि आपको एक तो सस्पेंशन लॉन्ग ट्रैवल मिल जाता है, इसका लो एंड पिकअप आपको अच्छा मिल जाता है। तो ऑफ रोड के मामले में मुझे लगता है कि ये बेटर कर पाएगी व्हेन आई कंपेयर विद स्क्रैम्बलर। स्क्रैम्बलर में आपको प्लस पॉइंट रहता है कि आप एक तो ज़्यादा पावरफुल इंजन चला रहे हो एंड उसके साथ ही साथ उसमें आपको थोड़ा सा वेट कम देखने को मिलेगा जो हैंडलिंग में काफ़ी यू नो फ़र्क करता है। बैड रोड्स को ये अच्छे से हैंडल कर लेगी इन टर्म्स ऑफ मोर पावर, इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग ऑन रोड देन इट वुड बी यचडी स्क्रैम्बलर जो आपको थोड़ी बेटर परफॉर्मेंस दे पाएगी ऑन रोड। आपको कौन सी बाइक लेनी है भाई आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी बाइक लेनी है। अगर आपको एक ज़्यादा ऑफ रोड कैपेबल बाइक चाहिए, आपको ज़्यादा अच्छा सीट कंफर्ट चाहिए तो मेरे हिसाब से स्क्रैम 411 आपके लिए बेटर रहेगी। एंड अगर आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस ऑन रोड चाहिए, थोड़ी ज़्यादा टॉप स्पीड चाहिए, सिक्स्थ गियर चाहिए और एक लिक्विड कूल्ड इंजन चाहिए तो मुझे लगता है कि यचडी स्क्रैम्बलर आपके लिए रहेगी। अगर आपको और कुछ क्वेश्चन है ये दोनों ही बाइक्स के बारे में तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा। आपको अगर डायरेक्टली मुझे कुछ पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है बाइकर प्रकाश चौधरी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, अगर मैंने कुछ पॉइंट मिस कर दिया है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर। वाह।